गुड मॉर्निंग गाइस, होटल के बाहर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। ओह शिट गाइस, वो सामने देखिए, लैंडस्लाइड हुई है, पूरा रोड बंद है। हमारी टेम्पो ट्रैवलर सामने थी और अचानक से ऊपर से थोड़े पत्थर गिर रहे, इसलिए वो लोग पीछे आ रहे। ओ, ओ, ओ. शिट 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 ये ये ओ शिट, कुछ नहीं दिख रहा है आगे, पूरा काला कलर का पानी है पूरा। गुड मॉर्निंग गाइस, होटल के बाहर से व्यू कुछ ऐसा दिखता है। बहुत ऑसम है। और चलो मैं एक बार अपना रूम दिखा देता हूँ। ये सब ऐसे चार रूम है जो हम लोगों ने बुक किए थे। तो यहाँ पे सब कबर्ड वगैरह है वुडन के, ये बड़े बेड है, वहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह है। बहुत ही सही एंड कोजी स्टे था। रूम्स भी बहुत ऑसम थे, एकदम वार्म लग रहा था, तो नींद भी बहुत सही हुई। तो चलिए अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं, अभी बज चुके हैं 7 और हम लोग निकलते हैं अपने आखिरी स्टॉप की ओर। हम लोगों ने अभी अपना जर्नी स्टार्ट किया है और ये सामने के जो पहाड़ दिख रहे, वहाँ से अभी हमारा रास्ता ग्यू मॉनेस्ट्री की तरफ बढ़ेगा। लेट्स गो। ओह शिट, ओ गाइस, वो सामने देखिए, लैंडस्लाइड हुई है, पूरा रोड बंद है और सब लोग वहाँ पे भी रुके हुए हैं, वहाँ पे भी रुके हुए हैं। देर इज नो ऑप्शन गोइंग फॉरवर्ड, अभी काम चल रहा है, सो आई गेस वी विल हैव टू वेट अंटिल रोड क्लियर्स। ओह नो 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 यार, ये स्पीटी और क्या क्या अपने को दिखाएगा यार। आज तो मैंने सोचा था कि चलो आज के दिन बहुत बढ़िया होगा, मस्त टाइम पे सब लोग प्लान रेडी, सब लोग निकले। ये देखिए पूरा लैंडस्लाइड हुआ है, रोड ही नहीं है। अभी काम चल रहा है वहाँ पे रोड बनाने का, तो आई गेस वी विल हैव टू वेट फॉर मोर 2 एंड 3 आवर्स। सफाई कर रहा ना दोबारा, फिर क्या क्या दोबारा सफाई कर रहा ना, दोबारा गिरा आज हो गया ना थोड़ी देर में। कितना टाइम लगेगा? नहीं आधा घंटा। अरे बाप रे, तो फरक पड़ला। अरे काय चाललं काय हे अच्छा। उधर जाके रुकते पानी के, इधर क्या करेंगे फिर से प्रॉब्लम। ये देखो ये पूरा प्रॉब्लम है। ओहो, नया तो लोग उतरा लगे। तो हम लोग अभी ये क्रॉस कर रहे हैं, गाइस ये वाला जो पैच था जिस पे लैंडस्लाइड हुआ था, तो अभी 4 घंटे बाद उसको पूरा खोल दिया गया है। तो ये देखिए ये आगे वाला जो पैच था, ये पूरा लैंडस्लाइड हो गया था। ओहो हो हो, गाड़ी प्रॉपर स्लाइड हो रही है। ओहो हो, क्या बनाया रोड यार, 4 घंटे में पूरा रोड बनाया इन लोगों ने। Hats off to their work and thank you so much. अरे बाप रे बाप,
क्या रोड बना है रे। थैंक यू, फाइनली हम लोग निकल गए हैं और अभी चलते हैं ग्यू मॉनेस्ट्री। ओ गॉड, लेकिन यहाँ पे जगह जगह पे लैंडस्लाइड हुआ था, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे, जो मेजर था वो वाला, लेकिन बाकी जगह पे भी काफ़ी जगह पे निकला हुआ था। मेरे को बहुत पूरा रोड खराब है आगे, लगता है ये नया रोड बना रहे हैं। अभी पूरा लगता है स्ट्रेच ऐसे ही निकालना पड़ेगा। ले जाओ, हम इस ऑफ रोड के लिए आए थे फाइनली उंगीला, वरना नागपुर तक तो पूरा रोड हाईवे ही था। फिलहाल उस पर भी मज़ा आया, ये ऑफ रोड का मज़ा एक। तो जहाँ पे लैंडस्लाइड हुआ था वहाँ से मैं करीब आधा पौन घंटा नीचे उतर के आया हूँ। और ये सामने देखिए, ये जो दिख रहा है ना, ये है मूनलैंड एरिया है जो लद्दाख वाला, वहाँ पे जैसे दिखता है एरिया वैसा ही है, येलो ईस्ट कलर का ग्लो हो रहा है। पूरा ऑफ रोड था अभी तक का, और आगे भी जो दिख रहा है रास्ता वो भी पूरा ऑफ रोड ही दिख रहा है। ख़राब है रोड, मतलब प्रॉपर नहीं है। तो देखते हैं और कितना टाइम लगेगा क्या। तो गाइस, ये जो राइट साइड को आपको रिवर दिख रही है, ये है स्पिटी रिवर। हम लोग अभी स्पिटी रिवर के पैरेलल ही चल रहे हैं। फिर हम लोग आए हैं जो अपना काजा का मेन रोड है वहाँ पे आए हुए हैं, और ये राइट साइड को जाता है क्यू विलेज में, या क्यू टेंपल बोलिए, जहाँ पे 500 ईयर ओल्ड मम्मी वेल प्रिजर्व्ड है। तो वो देखने के लिए अभी हम लोग जाएंगे। तो यहाँ से राइट लेते हैं और फिर निकलेंगे डायरेक्ट क्यू टेंपल। अरे भाई 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 अरे भाई 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 अरे पानी देखो गाइस, पूरा काला पानी है, काला, पूरा काला पानी है। ये ऐसा कैसा पानी आ गया बे, ससुर रहा, ये काला कौन कलर था भाई। हम लोग पहुंच गए हैं जू विलेज, सीधा निकलते हैं क्यू टेम्पल, फिर बाद में नीचे आके कुछ खा वगैरह लेंगे। हाँ हाँ हाँ, वॉट अ ब्यूटिफुल विलेज। और ये है वो टेम्पल जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं क्यू टेम्पल। मेरे पीछे है, आप जो देख रहे हैं, ये फेमस क्यू टेम्पल जहाँ पे 500 ईयर्स ओल्ड मम्मी वेल प्रिजर्व्ड है विदाउट एनी केमिकल। तो चलिए टाइम वेस्ट ना किए हुए हम लोग फटाक से देख लेते हैं। बाय द वे, मैं और साहिल आगे आ चुके हैं, और हमारा ग्रुप जो टेम्पो ट्रैवलर है वो काफ़ी पीछे छूटा है। तो हम लोग फटाक से व्यू देख के नीचे उर्लिंग की ओर निकल जाएंगे, क्योंकि काफ़ी बहुत सारी भूख लगी है और नीचे खाने को कुछ नहीं मिला, पानी भी कम है, सर बहुत हेवी हो गया है, आँख भी बहुत दुख रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और भाई साहब, यहाँ पे मिट्टी इतनी है कि दिमाग घूमे जा रहा है। ये ऐसा टेम्पल है जो अभी बाहर से बना है, अंदर उसका काम चल रहा है। और उसके लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा टेम्पल जैसा बना है जिसके अंदर ओम मम्मी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओम मम्मी का नाम है सांगा टेंजिन। यहाँ पे ओम मम्मी के बारे में काफ़ी सारी जानकारी दी हुई है। तो ये वो फेमस मम्मी है, टेंजिन नाम है इनका। ये बुद्धिस्ट मॉन्क थे जो अभी भी वेल प्रिजर्व्ड है। अगर आप प्रॉपरली देख सकते हो तो इनके दांत वगैरह जो है वो अभी भी वैसे के वैसे ही है।
होगा ऐसा हो रहा है। अरे चलो चलो भाई, हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं। आगे का पूरा तूफान क्लियर हुआ है और ये हवाएं हमें पीछे ढकेल रही है, इतना जोर से हवा बह रही है। चलो भाई यहाँ से निकलते पहले। बाय बाय ग्यू, बहुत ही खतरनाक हॉरिबल एक्सपीरियंस दिया है, बट थैंक यू। लेट्स गो टू हुरलिंग विलेज जहाँ पे हम लोग अभी खाना वगैरह खाएंगे। भाई विंड स्टॉर्म पूरा गॉड, बारिश भी आ रही है, क्या वेदर है एक्सट्रीम। हुरलिंग में रुक के हमने मैगी खा लिया दोनों ने यहाँ पे, और अभी हम लोग निकलने वाले ताबो मॉनेस्ट्री की ओर। जोर की बारिश आके गई है, अभी बहुत खराब वेदर चल रहा है। पहुंचे अभी ताबो विलेज में और जाएंगे ताबो मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के लिए। आते आते जो रास्ता जो वेदर लगा है बहुत एक्सट्रीम था, लेकिन अभी आसमान पूरा खुला है, तो चलिए टाइम वेस्ट ना किए हुए जल्दी से हम लोग ताबो मॉनेस्ट्री एक्सप्लोर करते हैं।
यहाँ पे पीछे जो ओल्ड मोनेस्ट्री का एक कमरा है जिसके अंदर बहुत सारे पेंटिंग्स है, एकदम रेयर है। तो ये पीछे का ऐसा कुछ नज़ारा है। दिस ताबो मोनेस्ट्री इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री, क्योंकि ये 1100 साल पुरानी है। बहुत सही क्लीन एंड नीट रखा हुआ है, स्ट्रक्चर भी अच्छे है। बाहर के साइड पे और थोड़ा टेम्पल्स वगैरह बन रहे हैं, पेंटिंग्स कलरिंग बहुत ऑसम किए है, एक बार ज़रूर आना। प्रॉब्लम्स हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। साहिल की बाइक पंक्चर हो गई ताबो मोनेस्ट्री के बाहर। एडवेंचर, एक्सट्रीम एडवेंचर। साहिल तू तो डायलॉग बोल रहा था क्या? आई वांट प्रॉब्लम्स। अवगड़े रे, और क्या क्या स्पिट्टी हम लोगों को दिखाएगा। तो हम लोगों ने अभी ताबो विलेज से एक पिकअप रेंट किया और उसको अभी हम लोग लेके जा रहे हैं काजा। भाई साहब ये गाड़ी हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये गाड़ी पनौती है यार, पनौती है। तो ये है ताबो ब्रिज, फेमस। क्या स्ट्रक्चर से ये बने हुए। ओहो, ये हवा के वजह से लगता है बने हुए। हमारी टेम्पो ट्रैवलर सामने थी और अचानक से ऊपर से थोड़े पत्थर गिर रहे इसलिए वो लोग पीछे आ रहे। ओहो, शिट, आज नहीं चाहिए यार, प्लीज। शिट, प्रॉपर गिर रहे, दिख रहे हैं, मतलब लिटरली पत्थर दिख रहे। प्रॉपर गिर रहे स्टोन। ये देखो गाइस, ये ऊपर से पत्थर आ रहे। नीचे आ रहे थे पत्थर, यहाँ से भी आ रहे। काय झालं, कुठे ऍड्रेस काय दाखवतोय? मित्रांनो, एक छोटासा फॉल झालाय अक्षयचा, हेल्मेटला थोडस लागले, मोबाईल कॅमेराच या माउंट तुटलंय, पण मी याच्या कॅमेरात का करतोय हा ब्लॉग। ऐसी जी कब चाहे जिंदगी है।